तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। सॉरी दोस्तों ये इतनी लेट वीडियो बनाने के लिए, दोस्तों वो कुछ रीज़न था जो मैं आपको वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने 18 मार्च को एक वीडियो बनाई थी जो कि गौशाला की वीडियो है, तो आप इतने वो देखिए। आ गए हैं गौशाला, ठीक है, जहाँ पे हम काउस को डोनेट करेंगे फूड, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं गाय को, ठीक है। अरे दोस्तों आप इधर देख सकते हैं पूरा गाय का तबेला है, और यहाँ पर ये सब ये लोग आते हैं गाय को सब कुछ खाना वाना देने। यहाँ पर आप गाय देख सकते हैं, पर अभी इन लोगों का काम चल रहा है यहाँ पर, इसको और डेवलप कर रहे हैं। क्या हो गया? दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर ऐसे गांव मतलब गाय को कुछ खिलाना चाहते हैं, तो आप अपने पास की गौशाला में आकर के या फिर यहीं आकर के आप यहाँ पर खिला सकते हैं। अभी हम आगे भी चलेंगे, मैं भी हम बहुत सारा सामान लाए हैं। हम यहाँ पे हर संडे आते हैं। ये तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, गौशाला बहुत बढ़िया है। तो चलिए अभी यहाँ का बंद करते हैं, फिर मैं आपको दूसरी जगह ले चलूँगा। घर का एरिया देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर कोई भी गाय नहीं दे रखी इन्होंने, सब अंदर बंद करी हुई, क्योंकि दोस्तों गर्मी का टाइम है और धूप वैसे होती है। अभी हम चल रहे हैं दोस्तों, एक एरिया ये भी है लेकिन यहाँ पे गाय कम है लेकिन सांड ज़्यादा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं इन्होंने अंदर बांधा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अभी इस वक्त थोड़ी गाय है क्योंकि सब जंगल जा रखी हैं खाना वाना चरने, और कुछ यहाँ पे अंदर बंद कर रखी हैं धूप से बचने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको ये ब्लैक एंड वाइट ऐसा अगर गाय मिले तो समझ लेना ये अमेरिकन गाय होती हैं या फिर ये कुछ मिक्स होती हैं। और देख सकते हैं दोस्तों ये सांड बैठा हुआ है, ये कर रहा है ये बाकी गाय। इसे तो खास ही हो रही है। ये गौशाला के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर एक मंदिर बना रखा है इन्होंने, ये भी बहुत अच्छा मंदिर अंदर से देखेंगे तो आप, ठीक है। और ये एक नीम का पेड़, ये देखो जा रहा है, ये कुछ बच्चे खेलते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम सांड को भी खाना खिला रहे हैं।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर सांड बैठा हो तो ही उसे खिलाना, अदरवाइज अगर वो खड़ा हो तो उसे थोड़ा दूर हटना, क्योंकि वो बहुत वो आप पे कभी भी हमला कर सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इधर दिखाऊं, अगर आप ये हिस्सा, एक ये भी है हिस्सा, ठीक है, ये देख सकते हैं कितना दूर है, और एक ये सांड देखना कहाँ चढ़ा हुआ है, ये ध्यान से देखो दोस्तों। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे गंदगी के साथ देख रहे होंगे तो आप ये बस सोचना कि यहाँ पर एक गंदगी है, इनके लिए हर फैसिलिटी दी जाती है, और आप ये पर देख सकते हैं यहाँ पर इनके लिए पंखे चल रहे हैं गर्मी के लिए। ठीक है दोस्तों, जो अभी मैंने वीडियो आपको दिखाई वो आपको अच्छी तो लगी ना, ठीक है, तो आप मुझे वो कमेंट करके तो बता देंगे। तो दोस्तों अब आते हैं सीधा मुद्दे पर कि मैंने 2 महीने से वीडियो क्यों नहीं बनाई। दोस्तों 2 महीने के बाद जो मेरी एक वीडियो थी प्लेइंग विद स्क्वायरल, उसके बाद से मैंने वीडियो मैं बनाता रहा, लेकिन मुझे एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती, मैं सिर्फ छोटे मोटे ऐप से ही मैं अपनी वीडियो एडिट करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों वो मैं गूगल पे यूट्यूब पे देख रहा था कि वीडियो कैसे एडिट करें, पीसी से, लैपटॉप वगैरह इन सब से देख रहा था। तो दोस्तों मुझे बिल्कुल मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, और दोस्तों मैं वीडियो अपनी डेली बनाता था, लेकिन वो यह कारण था कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, मेरे में शर्म थी बहुत। ठीक है, तो दोस्तों शर्म शर्म एक ऐसी चीज़ है जो मतलब बंदे को आगे बढ़ने नहीं देती, और जो शर्म होती है ना, मतलब वो ये होती है कि दोस्तों जब मैं अपनी वीडियो बनाता था ना रोड पे चलते चलते, मतलब मैं आपको दिखाने के लिए, तो दोस्तों लोग बाग ऐसे देखते थे कि भाई बंदा कर क्या रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग करके, तो दोस्तों वो मुझे शर्म आती थी कि मैं अपनी वीडियो ना बनाऊँ। ठीक है, और नहीं बनाने के बाद लोग मुझे ऐसे देखते थे। दोस्तों मैं ये शर्म कर करके तो मैं वीडियो नहीं बनाता था। अब दोस्तों मैंने एक यूट्यूब चैनल है, आप पता होगा, तो जिनका नाम है गौरव जोन। दोस्तों वो इतने बढ़िया यूट्यूबर ब्लॉगर है, वो टॉप 5 में भी आते हैं। तो दोस्तों मैं उनकी वीडियो इतने देखता हूँ, और उन्होंने एक वीडियो में इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि जो ब्लॉगर होते हैं उनको मतलब क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं उनसे बहुत बड़ा इंस्पायर हूँ, और मैं उन्हें बहुत ग्रैंड सैल्यूट देता हूँ। तो दोस्तों वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं उन्हीं के उससे इंस्पायर हुआ हूँ, ठीक है, ब्लॉगिंग करने के लिए। तो उन्होंने एक वीडियो में अपने बताया था कि अगर आप ब्लॉगर हो और अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो तो बिना शर्म करे वीडियो बनाइए। ठीक है, कि जैसे आप वीडियो बना रहे हो, लोग बाग देख रहे हैं, तो उन्हें देखने दो, आप उन्हें इग्नोर मार लो, जो आप काम कर रहे हो आप सिर्फ वही काम करो। ठीक है दोस्तों, बस यही एक वीडियो थी, अगर आप भी कुछ काम करना चाहते हो तो बिना शर्म के काम करो, और जो मैंने अपनी वीडियो बनाई थी ये भी मैंने बिना किसी के शर्म के, और मैंने सब अपनी वीडियो बनाई। ठीक है, तो मुझे लोग बाग देख रहे थे चलते चलते, तो इसलिए बस आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, और हाँ सब्सक्राइब कर लेना ये, ठीक है, और लाइक करना वीडियो को।